देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 28 नवंबर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया के ग्राउंड में 28 नवंबर को दर्पण समिति खमरिया के तत्वाधान में आयोजित की गई। इस परीक्षा में खमरिया सहित आसपास के करीब 50 स्कूलों के 600 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में शिक्षक चंद्रमणि मेश्राम ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 28 नवंबर को स्कूल ग्राउंड खमरिया में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई गई। प्रतियोगिता परीक्षा में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 600 छात्र छात्रों ने परीक्षा दी। इसमें वैदिक कॉन्वेंट स्कूल लालबर्रा से 80 छात्र शामिल हुए थे। वहीं इंदिरा मेमोरियल स्कूल वारासिवनी, कैरियर स्कूल वारासिवनी और वीणा पानी स्कूल और अन्य स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी परीक्षा दी। इस परीक्षा में प्रथम पुरस्कार 5001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 4001 रुपए, तृतीय पुरस्कार 3001 रुपए, चतुर्थ पुरस्कार 2001 रुपए, पंचम पुरस्कार 1001 रुपए प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। इसके अलावा छठवां और दसवां स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को 500-500 रुपए सांत्वना पुरस्कार से आगामी 26 जनवरी के समारोह में नवाजा जाएगा। परीक्षा सुबह 8 बजे से हुई थी जो 2 घंटे तक चली। जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा को संपन्न कराने में दर्पण समिति खमरिया, संरक्षक बीआर वाखाड़े, जन शिक्षक एनके बिसेन, जन शिक्षक रामकृष्ण चौधरी, शिक्षक ज्ञानी राम पारधी, डुलेंद्र पटले, स्नेहिल वाघाड़े सहित अन्य का योगदान रहा। छात्र छात्राओं को कंपटीशन एग्जाम और उनके बौद्धिक विकास के लिए उक्त परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षकों के साथ क्षेत्र के समाज सेवियों ने भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। सर आपका परिचय बताएं। मैं एनके बिसेन, जन शिक्षक, जन शिक्षा केंद्र खमरिया। जी बताइए, आज़ादी के अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं और उसी अवसर में जो है आपने यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी है, यहाँ पे कितने स्कूल के कितने बच्चे जो है जो यहाँ प्रतिभागी बने हैं? इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हमारे इस जनशिक्षा केंद्र से संबंधित जितनी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज हैं उन सभी संस्थाओं से, लालबर्रा की वैदिक कॉन्वेंट है, वारासुनी से इंदिरा मेमोरियल है, बड़गांव से कैरियर हायर सेकेंडरी है और यहाँ से खमरिया से प्रॉपर वीणा पानी हाई स्कूल और अन्य बच्चे भी यहाँ शामिल हुए हैं। इनकी संख्या कितनी होगी बच्चों की? लगभग हमारे पास एक्चुअल जो संख्या है वो 600 है अभी वर्तमान में। जी 600 बच्चे इस परीक्षा में बैठे हैं और हमने प्रयास किया है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दें। इसमें प्रश्न पत्र जो प्रिंट कराया गया है वो विभिन्न संस्थाओं से क्वेश्चंस बुलाए गए थे और उनमें से क्वेश्चन सिलेक्ट करके एक नया प्रश्न पत्र हमने बनवाया और उस प्रश्न पत्र के आधार पर परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। जो प्रश्न पत्र आपने बनाया है इसमें जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है वो किन किन विषयों के हैं? इसमें सारे विषय सम्मिलित किए गए हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, ये सब्जेक्ट किए गए हैं और इसके साथ साथ हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए। ये जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो है आज कराने का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस तरह से तैयारी करते हैं उनको एक गाइडेंस के रूप में ये इससे अनुभव मिलेगा और इसलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित कराया। सर इसमें जो बच्चे हैं इसका रिजल्ट कब घोषित होगा और क्या क्या है इसमें? इसमें रिजल्ट में बच्चों को हम बाय फोन इन्फॉर्म करेंगे और बच्चे को जो पारितोषिक देना है वो 26 जनवरी को जो हमारे यहाँ समारोह आयोजित होता है उस समारोह में हमारे जो प्रतिष्ठित गणमान्यों ने हमें सहयोग किया है उनसे वो पारितोषिक उनका वितरण कराया जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम है आपका जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई है इसमें जो भी मतलब व्यय हो रहा है इसमें क्या आपको कुछ शासकीय सुविधा मिली है या फिर आप लोग ही या फिर जो अन्य जो गणमान्य नागरिक है वो उसका वहन कर रहे हैं? हमने इसमें शासन से किसी प्रकार की सुविधा नहीं ली है और हमारे जो यहाँ समाज सेवी बंधु हैं गणमान्य हमारे उन लोगों से और हमारे जो साथी हैं इस टीम के इन लोगों ने मिलकर इसका मतलब वहन किया हुआ है। मतलब जो समाज सेवी है, जो शिक्षक है? जी हाँ, ये सिर्फ अपने मतलब जेब से व्यय करके ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे बच्चों के लिए? जी व्यक्तिगत रूप से हमारे साथियों ने और हमारे समाज सेवी गणमान्य जो हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया है हमें। जी सर आपका परिचय बताएं। गगन तुरकर, मैं वैदिक कॉन्वेंट स्कूल लालबर्रा से। जी बताएं आज आप कैसे कितने बच्चे आए हैं? आज ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में खमरिया स्कूल द्वारा
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्कूल द्वारा 70-73 बच्चों ने इसमें भाग लिया जी। क्या है इस एग्जाम की एग्जाम से बच्चों का बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट, अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है, इस वजह से हमने बच्चों को बोला पार्टिसिपेट करिए। इसमें सामान्य ज्ञान के अलावा और भी कुछ साइंस से और मैथ से जुड़े हुए पूरे पूरे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन है, तो क्या इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए बच्चों के लिए तैयारी कराई गई थी आपके द्वारा पहले? हाँ, बच्चों को पिछले 1 वीक से इसकी तैयारी कराई गई। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ के बच्चे जो है नंबर लगेगा इनका जो नंबर? तो ठीक है, नंबर तो लगना चाहिए, ना लगे तो भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें होता है। तो आने वाले समय में और इनके बढ़ते विकास के लिए बच्चों को और क्या प्रयास किए जाएंगे आपके? हम लोग इस स्कूल स्तर पर भी इसमें काफी बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। सर, आपका परिचय बताइए। सर, मैं चंद्रमणि मिश्रा, खमरिया जी। बताइए, आज यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इसमें कितने बच्चे कहाँ कहाँ के कौन कौन से स्कूल के इसमें सम्मिलित हुए हैं, और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आपके द्वारा जो कितने दिनों से तैयारियाँ की जा रही थी? हमारे यहाँ खमरिया संकुल और नेवरगांव संकुल से लगभग सभी स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हैं। उसके अलावा लालबरा ब्लॉक से खासकर वैदिक कॉन्वेंट लालबरा स्कूल के बहुत से प्रतिभागी बच्चे हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव और संविधान दिवस के अवसर पर हमने ये प्रतियोगिता परीक्षा करवाई ताकि बच्चों में एक बौद्धिक विकास हो सके, उनका मानसिक विकास हो सके, और आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए उन्हें थोड़ी आसानी हो सके। ये जो बच्चे आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं प्रतियोगिता में, क्या इन्हें टाइम दिया गया था इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए? हाँ सर, हम सभी स्कूल में जाकर बच्चों से चर्चा किए थे लगभग 15 दिन पहले, उसके बाद भी और सभी बच्चों से इस बारे में अवगत कराया है कि आपको इसके लिए स्पेशल तैयारी करनी है। वैसे तो सामान्य ज्ञान का पेपर है, तो ताकि बच्चों में किताबी ज्ञान के अलावा और भी बच्चों में उनके मानसिक विकास हो सके। सर, आपका परिचय बताइए। नमस्कार, मैं आनंद ठाकरे, रामनेत्रा से जी। आप जो एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और कैसे विचार आया आपको कि यहाँ पर जो है लालबरा क्षेत्र के बच्चों को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराना चाहिए उनके बौद्धिक विकास के लिए, जिसमें आप सहयोग भी कर रहे हैं पूरी तरीके से? सर, आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान के पास कुछ होना हो, अगर शिक्षा हो तो वो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर सकता है। खमरिया और यहाँ के आसपास के सभी शिक्षक और चंद्रमणि मेश्राम और पारदी सर जो ऐसे कई आयोजन पहले से कराते आए हैं, आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का एक भव्य आयोजन करा रहे हैं, जिसमें लगभग 1000 छात्र सम्मिलित होने की आशंका है। तो आज दिनांक 600 बच्चों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है, और इस आयोजन के लिए मैं सभी पालकों को और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिन शिक्षकों ने यहाँ पर योगदान दिया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक शब्द ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, यह बात को चरितार्थ करते हुए आज खमरिया के मैदान में जो बच्चे आज यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य हैं। और आपको क्या लगता है कि इन जैसे बच्चों के जो बौद्धिक विकास है और आने वाली जो भी परीक्षा है, कॉम्पिटिशन, जो एग्ज़ाम फाइट करना है, हाँ, उसके लिए और क्या क्या तैयारियाँ जो है बच्चों को करवानी चाहिए, क्या क्या जरूरी है? ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों का एक बौद्धिक विकास होता है, शैक्षणिक विकास होता है, और इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। आज ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो बच्चे चयनित होते हैं, ये आगे चलकर राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय, अन्य राज्यों में भी जो परीक्षाएं होती है उनमें भाग लेते हैं।